हेलो खम्बागणी सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और आज पापा हुकुम का बर्थडे है। और पापा हुकुम अपना बर्थडे ऐसे तो कोई सेलिब्रेट करते नहीं है सच तो, लेकिन हाँ मैंने ज़रूर मेरी शादी के बाद एक दो बार ट्राई किया उनका बर्थडे मनाने का। तो आज मैं पापा हुकुम को सरप्राइज़ दूंगी उनके घर जाकर। मैं क्या बोल रही हूँ, आज मैं पापा हुकुम को सरप्राइज़ दूंगी ऑफिस जाकर। और मुझे पता है पापा हुकुम या तो मुझे डांटेंगे घर जाने के बाद शाम को, या मुझे खुश होकर थैंक यू बोल देंगे कि वाह बेटा आपने मेरा बर्थडे मनाया, ऐसा कुछ टाइप का। मैं पापा हुकुम के पास जाने वाली हूँ, मुझे बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, लेकिन ठीक है जो भी है जैसा भी है। मैं पापा हुकुम को सरप्राइज़ दूंगी उनका ऑफिस जाकर, देखते हैं पापा खुश होते हैं क्या। और मैं कीवी के पापा को भी पिक करने के लिए आ गई हूँ। हुकुम को ऐसे कंडक्टर सीट पे बैठ के अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, बट ठीक है देख। अरे यार मैंने क्यों ही बोला, ये मैंने गलत ही बोल दिया ये। अच्छा है, मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँगी। फिर रास्ते से हमने केक पिक किया, केक मैंने चॉकलेटी केक लिया जो कि बहुत ही अच्छा था। अब मैं जा तो रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है डर हुकुम। आप लोगों ने किया है क्या पापा हुकुम को ऐसे कभी ऑफिस में चले गए और केक वेक लेके? और यार ऑफिस में तो कौन जाता है। पापा बोलेंगे ये क्या है, यहाँ क्यों आए हो, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हाँ तो वो बोलेंगे ना, घर के घर में कटा लेते तुम लोग केक। भाई दोनों यहाँ आगे जाए जाते क्या, मम्मी बच्चे मम्मी को भी ले आते, क्यू को भी ले आते। सही में पापा को ऐसा लगेगा सारे खानदान यही आ जाता ऑफिस में कटाने आए केक। ये सर्किल देखो कितना प्यारा में दिखा। हुकुम आप कहाँ ले रहे हो? अब जब केक ले ही लिया है तो कचोरी वचोरी भी ले लेते हैं। कचोरी तो सही कह रहे हो यार, इधर सुवालाल वाला है उसकी ले लो, सुवालाल की कचोरी बहुत फेमस है, वो टाइम फेमस है। हाँ सही में। पर थोड़ा सा उल्टा नहीं पड़ेगा अपन को? नहीं, नीचे से आ जाएंगे तो बस। ये तो फिर पूरी पार्टी हो जाएगी ऑफिस में, तो यही होता है केक कटवा लो और कचोरी समोसे ले जाओ, हो गई पार्टी, पापा की बर्थडे पार्टी। अब हम जा रहे हैं कचोरी लेने के लिए। कचोरी और समोसे दोनों ही ले लेंगे बैलेंस करके ना, जिसको कचोरी खानी कचोरी खा लेंगे और जिसको समोसा खाना है समोसे खा लेंगे। तो यहाँ ना दिन भर में बहुत सारी कचोरियाँ निकलती है, बहुत फेमस है ये नमकीन के लिए और ख़ास तौर पर कचोरी के लिए। और आप देखो एक साथ कढ़ाई में कितनी सारी कचोरियाँ निकल रही है, सुवा लाल कचोरी वाला ये बहुत फेमस है। अब हम पहुँच गए हैं बस। मुझे लग रहा है सब ऊपर ही है। हनुमान सिंह जी यही रहते हैं क्या जी? यही रहते हैं कि राजा साहब यही रहते हैं? कोई है क्या? नहीं है ना, आज सब छुट्टी पे। हैप्पी बर्थडे पापा हुकुम। और क्या बर्थडे है ना आपका, कितने साल के हो गए आप? आप अपनी उम्र छिपाना चाह रहे हो क्या? हाँ मम्मा क्यों मैं भी यही हूँ, क्यों मम्मा भी यही है? हाय कीवा, हाय बिट्टी। हाँ आप आ जाओ, आपको लाना भूल गई मैं यहाँ पे। सही में मम्मी को ले आना चाहिए था। आते हैं। तो सही में है भैया।
बर्थडे मन गया और पापा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे पापा के लिए एक्सपेक्टेड था ये कि हम आने वाले हैं, मतलब है उनको आपको नहीं लगा ऐसा? मुझे बहुत लगा, जैसे पापा को लग रहा था कि हम आएंगे ही सर। आप सुबह बोल ही तो रहते। मैं तो मजाक कर रही थी कि पापा आज लंच टाइम कितने बजे होता है आपका, शायद मैं आ जाऊँ आपको परेशान करने। पापा को देख के ऐसे लगा कि कोई ऐसे रिएक्शन नहीं दिए पापा ने कि यहाँ क्या कैसे आए हो ये वो। पापा को ऐसे लगा था जैसे हाँ आने ही है, मुझे पता ही है। अब हुकुम को मैं ऑफिस ड्रॉप करूंगी, फिर मैं जाऊंगी घर पे क्योंकि कीवी मेरा वेट कर रही है। और कौन कहता है कि कोटा ना छोटा शहर है? देखो आप कोटा की, मतलब कोटा का ये रोड देखो, कोटा के आसपास ही बिल्डिंग्स देखो आप, शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा कोई शहर हो, ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान का छोटा सा शहर है। छोटा शहर है ही, ऐसे भी छोटा शहर नहीं है। आप तो मान भी नहीं रहे, मैं यही देखना चाह रही थी कि आप क्या बोलोगे। कोटा कोटा है, कौन बिगाड़ कीवी? चलो कीवी ऊपर चलो, मैं आ गई, दाता का बर्थडे था ना बिट्टू। चलो कीवी चलें, चलें कीवी आ जाओ, मामा आ गई। देखो पलट भी नहीं रही मेरी आवाज सुन के, आपका प्यार इतना स्ट्रांग है इसके लिए। कीवी कीवी मम्मा मम्मा चले ऊपर, जब देखो बिंदी लगाए रखते हो, बिंदी उतारो। ये क्या बता रही है? तो ऑफिस से मैं घर आ गई हूँ, बस अब मुझे चेंज वेंज करना है। और एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है घर पे अभी फिलहाल, बहुत सोचने समझने के बाद हमने कुक रखी है, हमने एक दीदी को रखा है खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा था। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं बन पा रहे थे, मतलब मैं कंटेंट पे तो ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मैं क्या बनाऊँ और कैसे। और मेरा बहुत मन था बहुत टाइम से कि यार अगर मेरा सुबह शाम का ये जो टाइम है खाने वाला ये बच जाता है तो मैं कुछ कर पाऊंगी। तो हमने एक पूजा जी नाम की बहुत अच्छी सी लेडी है, उनको रखा है खाना बनाने के लिए। क्यू फिलहाल नीचे खेल रही है। मेरा कीवा क्या कर रहा है बिट्टू, अब तो चला कर बेटा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो आई है अपने बच्चे के साथ, दो दिन से वो आ रही है, बट मैंने उन्हें व्लॉग में नहीं लिया था। मैंने सोचा था एक बार वो जम जाए फिर मैं बताती हूँ कि हाँ हमने किसी को रखा है ऐसा। शैतानी कर रहे हो आप, शैतानी। आपकी मम्मा ने आपकी तारीफ में बहुत सारी बातें बताई मुझे, क्या बहुत शैतान हो। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलो। मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा दीदी ने इतनी तारीफ करी थी बेटा आपकी, इसको बोल रही हूँ कि आप बहुत शैतान हो। सही में शैतान ही है, सही में शैतान है, शैतान ही कर रही हूँ, देख लो। हमारी हमारी क्यू को जम जाएगा क्यू। अच्छा कीवा आप भी बैठ जाओ बेटा, ऐसे टूट जाएगा। मस्ती करना है मस्ती, दोनों दोस्ती कर ली, दोनों ने हाथ मिलाया था क्या, हैंडशेक किया था? कीवी आपको दोस्त मिल गया, दोस्त मिल गया, दोस्त को हाई किया आपने, हाई कर दो। दाता का बर्थडे जैसे बनाया आपने, दाता का बर्थडे। आप भी हाई करो, ताली दे दो कीवी, ताली दो, ताली। ऐसे ये कीवा आपको दोस्त अच्छा लगा आपका? ये बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं ना जो अपन घर पे कभी पहनते ही नहीं है, बस पड़े ही रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब जब मुझे किचन में जाना ही नहीं है तो कपड़े खराब होंगे ही नहीं, वरना तो मैं घर पे वही दो तीन टी शर्ट पहनती रहती थी। तो मैं कुछ ना कुछ पुरानी चीजें निकाल के ना पहनती रहूंगी। तो मैंने ये शॉर्ट कुर्ता निकाला जो कि मुझे मेरा ना किसी टाइम पे फेवरेट हुआ करता था, और इस डेनिम पे मैंने पहना है। अच्छा लग रहा है ये, सही में अच्छा लग रहा है ये। तो फिलहाल खाना वाना हो गया है, खाना बहुत अच्छा बनाया पूजा जी ने, नमकीन चावल बनाए थे और भरवा हरी मिर्च बनाई थी। भरवा हरी मिर्ची बोलेंगे ना यार उनको, वो बेसन वेसन वाला सीन जो अपन करते हैं मसाला वसाला बना के, वो बनाई थी और साथ में चपाती। खाना बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे लोग कमेंट में ना जैसे वेट लॉस के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया, क्योंकि अब तो मेरे चेहरे पर भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेरी नोज़ वोज़ बहुत शार्प लग रही है। मेरा आइडियल वेट जो है मैं उससे अब थोड़ी ही मतलब ऐसे दूर हूँ, एक किलो ही दूर हूँ जैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा आइडियल बॉडी वेट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वो है 58 kg, और राइट नाउ मैं भी 59 पे हूँ। तो मेरा तो हो गया है सॉर्टेड जो मैं चाह रही थी, इससे ज़्यादा मुझे लगता है वेट लॉस मुझे करना भी नहीं चाहिए।
फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। अब मुझे सिर्फ बॉडी टोन्ड करने पे काम करना है। अब मुझे सिर्फ ये है कि अच्छे से शेप में मैं बनी रहूँ, ऐसा वाला सीन है। तो मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, मैं प्लान कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि मैं ऐसे रैंडम कुछ भी तो आपको नहीं बता सकती ना, जो प्रॉपर मैंने फॉलो किया है वो प्रॉपर उसी तरह से मैं एक्सरसाइजेस और डाइट जो है वो करके बताऊँगी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं ये वीडियो जो है वो ट्रेनर के साथ ही प्लान कर रही हूँ, तो बहुत जल्द आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगा। वो मैं मतलब मेरी एक विश लिस्ट में है वो, कि मैं वो व्लॉग आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली लेकर आऊँगी। सो डोंट वरी, है ना। फिर लो लेके दशा कर इसमें, देखो चपटी कर दी सारी सारी। फिर लो मम्मी का फाउंडेशन यही है ये फिर लो ली मेरे एक ही बस। अब मैं आपकी तरफ आ गई मम्मा, आ चुके आज मेरे शुरू से फिर लो ली लगाई मेरा क्यों मम्मा की तरफ, मम्मा की तरफ कैसे पलटी हंसी दादी जी के पास दिन भर रहती हूं मैं। अब अगर ना रहने जाओगे दस इधर दादा दादा से मैं रखती हूं, मैं कल से नहीं रखूंगी। आजा मम्मी दिख रही है मम्मा, पापा मम्मा क्या पूछने चाह रहे हैं आपसे बताओ ना। मम्मा बताओ ना खाना कैसा लगा। मम्मी अपन को तो रोटी बड़ी बनाए छोटी बनाए सब अच्छा लग रहा है। रोटी अच्छी बना रही है, सब अच्छा लग रहा है पापा को। पता करवाऊंगा ना ना पापा नहीं हो गया कितने दिन बाद में ऐसे बैठ के बात कर पा रही हूं, बातें करने लगी सही मामा है ना। ये बनाओ वो बनाओ, बनाओ वो करो सही में मम्मा अरे तो क्या था कुछ तो मिल गया ना फटाफट से आते तो आते मुझे खाना मिल रहा है आराम मिल गया घूमने जाएंगे। अब आप लोगों के पास खाना तो देखो कोई भी बना बना देगा खाना बनाना, पूजा जी यही आपको खाना बना देंगे बस। अब मैं और मम्मा जाएंगे घूमने घूमने जा रहे हैं। मम्मी आपके बेटे तो जाते नहीं, आप जाओ ये तो चल गया ना। नहीं मेरे साथ नहीं जाओगे, सास बहू जाएंगे चलेंगे अपन सास बहू दादा के पास जाएगा। धीरे 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 आ जाओ धीरे 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 आज बेटा आज 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 धीरे धीरे आज धीरे 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 धीरे। सो गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह उठ के रेडी होके जिम मेरे, और अभी अंधेरा हो रहा है फिलहाल क्योंकि मैं जल्दी ही आ जाती हूँ यहाँ पे ना। मैं 6:30 पहुँच जाती हूँ और बस अब स्टेयर्स पे चढ़ना, ऐसा लगता है कि प्री वर्कआउट तो यहीं पे हो गया है क्योंकि ये है थर्ड फ्लोर पे है आई थिंक ना जिम जो है। बस मैं पंच करूँगी और फिर अंदर जाने वाली हूँ। अंदर मैं शायद ज़्यादा रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सुबह सुबह ना, तो सबसे पहले आते ही ना मैं क्या करती हूँ कि ट्रेडमिल पे 5 मिनट अपना निकालती हूँ और उसके बाद फिर मैं वार्म अप करती हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज मेरी जो भी है वो रेगुलर बेसिस की वो शुरू करती हूँ। और सामने देखो आप कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ना। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जिम का यही लगता है कि इसके जस्ट सामने ना बहुत ही अच्छा पूरा खाली है। और तो अब मैं ना अंदर आ गई हूँ जहाँ पे जुम्बा होता है और वहाँ पे ना मैं पुशअप्स करने की प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि पुशअप्स हर किसी से नहीं होते हैं, मुझसे भी अभी तक नहीं होते हैं। तो मैं पुशअप्स जो है वो इस तरह से कर रही हूँ फिलहाल ना, मतलब हाफ पुशअप्स आप इसे बोल सकते हो, ताकि इससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। और अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहूँगी तो फिर मैं पुशअप्स भी कर पाऊँगी ईजी वे में। तो इसके लिए मैं रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के ना पुशअप्स ज़रूर करती हूँ इस तरह से। सुनो एक फनी इंसिडेंट हुआ, आप था अभी उठे आपको पता नहीं है। सुनो ना, मुझे पूजा जी आते ही क्या बोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की जानकारी ले रहे थे। पूजा जी बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो, आपकी शादी को कितने साल हो गए ये सब। फिर मुझे सडनली बोल रहे हैं कि, मैंने कहा मेरी शादी 2019 में हो गई, तो मुझे बोल रहे हैं अच्छा कौन से शहर में शादी हुई दीदी आपकी। आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कौन से शहर में शादी हुई दीदी आपकी। मैंने कहा शादी, बोले हाँ कौन से शहर में हुई अभी। उनको ऐसा लगा कि मैं अभी पीहर आई हुई हूँ। आपका ऐसा ही लगा ना। हुकुम ने सिर्फ हंस के टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने मेरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया है और मैंने क्योंकि नहाने की तैयारी अभी करनी है तो मैंने उसके कपड़े निकाल दिए हैं। और कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी खास यूज़ नहीं करती हूँ मैं प्रोडक्ट ना। पहले ज़रूर यूज़ करती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एंड में मुझे समझ में आया कि कोकोनट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो चलिए टेक केयर, बाय।